यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुख्यात अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। रायबरेली में भी प्रशासन ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने हंसराज उर्फ बउआ की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ शहर कोतवाल अतुल सिंह ने नोटिस चस्पाकर मकान को कुर्क कराया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। शहर कोतवाली के गौरा बाजार के रहने वाले हंसराज के आलिशान मकान के अलावा प्रशासन ने दोपहिया वाहन को भी कुर्क किया है। इस दौरान कोतवाल अतुल के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ढोल नगाड़ों के बीच पहले मुनादी करवाई गई और फिर कुर्की का नोटिस चस्पा करते हुए शहर कोतवाल ने शाम तक घर खाली करने के निर्देश दिए। हंसराज की संपत्ति की कुर्की के आदेश जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने दिए थे। हंसराज उर्फ बउआ पर दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें लूट पे हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराध भी शामिल हैं। अपराधों से धन अर्जित कर उसने आलिशान मकान बनाया था। इस मकान की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। हंसराज खुद अपनी गैंग का सरगना है। प्रशासन उसके खिलाफ अभी और भी कार्रवाई की तैयारी में है। जनसेतु के लिए रायबरेली से सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। कितने मुकदमे थे, क्या क्या जिक्र किया गया? ये थाना कोतवाली में एक शातिर बदमाश जिसका कि नाम हंसराज और बउआ है, जिसपे करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। उसकी संपत्ति की आज कुर्की की गई है। उसकी संपत्ति की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है, जिसमें कि 2 मंजिला मकान और उसका 1 निजी वाहन सम्मिलित है। इस संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुर्क कर लिया गया है। सर, किसकी गैंग का सदस्य था ये? ये खुद अपने गैंग का लीडर था। इसके ऊपर लूट और हत्या के प्रयास जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं।